Dear students, Assalamu alaikum. So far we have covered different item types within QuickBooks. Today the item type we are going to discuss is called the discount item. Ek cheez yaad rakhein ki abhi tak humne jitne bhi items discuss kiye hain unka direct effect accounts pe hota hai. Bhale wo inventory item ho, non inventory item ho, service item ho, inka tamam ka अफेक्ट हमारे अकाउंट्स पे होता है और इनको रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है. इसी तरह से डिस्काउंट आइटम भी एक ऐसा आइटम है जिसका अफेक्ट अकाउंटिंग पे होगा. और एक चीज़ जो हमें ख़ास तौर पे मद्देनज़र रखनी पड़ेगी वो ये है कि डिस्काउंट क्या हम टैक्स से पहले दे रहे हैं या टैक्स के बात दे रहे हैं. बहुत सारी टैक्स एजेंसीज हमसे एक्सपेक्ट करती हैं कि हम डिस्काउंट अपनी कीमत पे टैक्स के बाद दें और टैक्स उसकी असल कीमत पे अदा करें. लेकिन ये बहस अलहदा है. आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप कोई डिस्काउंट आइटम सेट कर रहे हैं इसका टैक्स पे क्या असर होगा और इसके लिए आपको अपने डिपार्टमेंट से मदद मिलेगी और आपको अपनी टाइप ऑफ बिजनेस उसकी नौइयत देखते हुए भी इसको सेट करने में आसानी होगी. सो डिस्काउंट आइटम इज बेसिकली दैट आइटम विच प्रोवाइड्स द आइटम और द प्रोडक्ट और सर्विस विच यू आर ऑफरिंग एट अ डिस्काउंटेड रेट. अच्छा, डिस्काउंट दो टाइप के हो सकते हैं. एक परसेंटेज बेस्ड डिस्काउंट और एक है फिक्स्ड अमाउंट डिस्काउंट. मतलब क्या है? हो सकता है कि जो सर्विस या प्रोडक्ट हम ऑफर कर रहे हैं उसके ऊपर एक परसेंटेज से हम अपने कस्टमर या क्लाइंट को डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं. और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हमने उसे कह दिया है कि हम एक फिक्स्ड अमाउंट से हम आपको डिस्काउंट देंगे आप अगर ये हमसे सर्विस या चीज़ लेते हैं. ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास मौजूद हैं. अच्छा, डिस्काउंट मुख्तलिफ परसेंटेजेस में भी हो सकता है. अगर आप ये चीज़ अवेल कर रहे हैं अभी तो इतना डिस्काउंट है, अगर आप ये एक महीने के बाद अवेल करेंगे इतना डिस्काउंट है, और अगर आप उसके बाद करेंगे तो डिस्काउंट नहीं है या सबसे कम वैल्यू का डिस्काउंट है. इसकी मिसाल आपका हाउस टैक्स जो होता है उसमें अगर आप देखें कि अगर आप पहले महीने में इसे अदा कर देते हैं तो उसका एक बड़ा डिस्काउंट होता है, पहले छः महीने में अदा कर देते हैं तो उसका दूसरा डिस्काउंट होता है, और साल के अंदर अदा करने का तीसरा डिस्काउंट होता है. तो हम डिस्काउंट मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने कस्टमर्स को ऑफ़र कर सकते हैं. इसी तरह डिस्काउंट के दूसरे एक तरीके ये होते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ों को जमा करके ग्रुप करके हम कहते हैं कि अगर आप ये ग्रुप लेंगे तो हम आपको इतना डिस्काउंट लेंगे, अगर आप ये पैकेज लेंगे तो हम आपको ये डिस्काउंट लेंगे. अगर आप देखते हो कि बहुत सारे फर्नीचर बेचने वाले अपने मुख्तलिफ ग्रुप्स पे डिस्काउंट ऑफ़र करते हैं, और इसी तरह से बहुत सारे मोबाइल फ़ोन वाले भी मुख्तलिफ पैकेजेस पे डिस्काउंट ऑफ़र करते हैं. लेकिन डिस्काउंट ओरिजिनल प्राइस से थोड़ी सी प्राइस जो डिक्रीज़ होती है उसका हमें रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें किस प्राइस पे ये चीज़ ऑफ़र की थी और हमने कितना डिस्काउंट देके ये सेल बुक की है. ये रिकॉर्डिंग कंपलसरी है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और हमें हमारा क्विक बुक्स भी हमें इसमें मदद फराहम करता है और हमें ये प्रोविज़न देता है कि हम हर किस्म का डिस्काउंट इसके अंदर क्रिएट करें, उसको इन्फोर्स करें और उसको रिकॉर्ड करें. याद रहे कि डिस्काउंट सर्विसेज पे भी हो सकता है और प्रोडक्ट पे भी हो सकता है. अब आप कहेंगे सर्विसेज का कौन सा डिस्काउंट होता है? बहुत सारी सर्विसेज ऐसी होती हैं जिसमें सीनियर सिटीज़न डिस्काउंट होता है कि अगर आपकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है
तो हम आपको डिस्काउंट ऑफर करेंगे। बहुत सारी सर्विस ऐसी होती हैं जिसमें आपसे कहा जाता है अगर आप ये हमारी सारी सर्विसेज लेंगे तो हम आपको डिस्काउंट ऑफर करेंगे, अगर आप इंडिविजुअल सर्विस लेंगे तो इस पर डिस्काउंट नहीं होगा। इंडिविजुअल सर्विसेज की कॉस्ट टोटल ये आएगी, डिस्काउंटेड अगर आप लेंगे तो ये तमाम सर्विस की कॉस्ट माइनस डिस्काउंट आपकी प्राइस ये आएगी। आइए देखते हैं कि क्विक बुक्स में हम इसको कैसे इन्फोर्स करते हैं। जैसे कि अब आपको पता ही है कि हमारे तमाम डिफरेंट आइटम्स लिस्ट के अंदर मौजूद होते हैं, तो हम लिस्ट को क्लिक करेंगे और आइटम को क्लिक करके न्यू सेलेक्ट करेंगे। ड्रॉप डाउन से टाइप हमने इस बार जो चूज़ करनी है दैट इज़ कॉल्ड डिस्काउंट टाइप। डिस्काउंट कैन बी फॉर एन ओकेजन, फॉर अ ग्रुप और वॉट एवर। इन दिस केस द डिस्काउंट वी आर गोइंग टू क्रिएट, वी आर गोइंग टू नेम इट डिस्काउंट ऑन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज द नॉब। अच्छा, नॉब क्या होता है जी? जिससे आप दरवाज़ा खोलते हैं, हैंडल, हम उसके ऊपर आपको डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। ये डिस्काउंट परसेंटेज में हो सकता है, लिमिटेड पीरियड के लिए हो सकता है, और परसेंटेज में हो सकता है या अमाउंट पे हो सकता है। अगर ये अमाउंट में है तो हम यहाँ अमाउंट लिख देंगे, और अगर ये परसेंटेज में है तो हम एंड में परसेंटेज का साइन डाल देंगे। उससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हमें क्लियर समझ में आ जाएगा कि हमने किस टाइप का ऑफ़र किया था डिस्काउंट, और हमारे पास रिकॉर्ड भी हो जाएगा। इसके साथ साथ जो हमने अपना ट्रेड डिस्काउंट ऑफ़र किया है उसको हमने कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करना है, उसके लिए हमने उसका अकाउंट चूज़ कर लेना है। अच्छा, याद रहे कि ये पहले भी मैंने आपको बताया था कि टैक्सेबल भी हो सकता है और नॉन टैक्स भी हो सकता है, लेकिन हमारे एजेंसीज, टैक्स एजेंसीज चाहती हैं कि ये टैक्सेबल ना हो। डिस्काउंट हमेशा आप ऑफ़र करें ऑन द फुल अमाउंट आफ्टर पेइंग ऑफ टैक्सेस, लेकिन ये इस चीज़ का तायुन आपकी टैक्स एजेंसी और आपका अकाउंट्स डिपार्टमेंट करेगा। सो बाय डिफ़ॉल्ट दिस इज़ अ टैक्सेबल आइटम, बट यू मे इफ़ यू वांट टू कीप इट एज अ नॉन टैक्स आइटम। वंस यू हैव चूजन एवरीथिंग, क्लिक ओके। नाउ वी हैव एन आइटम क्रिएटेड विच इज़ गोइंग टू बी अ डिस्काउंट आइटम। अब ये हमारे पास इस तमाम लिस्ट में नज़र आ रहा है कि ये हमारा डिस्काउंट है 10% का, और इसको अब हम यूज़ करेंगे अपने पास व्हेन वी गिव अ डिस्काउंट ऑन हैंडल्स। इसमें आप डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं ताकि आपको पता करें कि ये है क्या। हमने लिख दिया है डिस्काउंट 10%। नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ इनवॉइस फॉर अ क्लाइंट ऑफ आवर्स, एंड इन दैट वी आर गोइंग टू यूज एज द प्रोडक्ट दैट वी आर ऑफरिंग दैट इज द डोर हैंडल विच इज अ इन्वेंट्री पार्ट। वी हैव सेलेक्टेड डोर हैंडल एंड नाउ वी आर गोइंग टू गिव द क्वांटिटी दैट वी आर गोइंग टू सप्लाई, द रेट, ऑटोमेटिकली द अमाउंट कम्स इन, एंड नाउ वी आर गोइंग टू ऑफर द डिस्काउंट ऑन दिस। डिस्काउंट इज एज यू नो अ डिस्काउंट आइटम। वी आर गोइंग टू सेलेक्ट दैट आइटम फ्रॉम आर लिस्ट। एज यू रिमेंबर दैट वी हैव गिवन इट द डिस्क्रिप्शन डिस्काउंट 10%, एंड द मोमेंट यू राइट इट डाउन द डिस्काउंटेड फिगर अपीयर्स ऑन द स्क्रीन। उसका रेट ऑटोमेटिकली उठाता है जो हमने दिया हुआ था, और ऊपर दी गई जो हमारा टोटल है उसमें से उसने 3,000 रुपये माइनस कर दिए हैं क्योंकि ये है 10% डिस्काउंट। बेस्ड ऑन दैट सेल्स फिगर अपीयर्स ऑन द स्क्रीन ऑटोमेटिकली। अब आप देख सकते हैं कि ये डिस्काउंट हमने एक हैंडल के लिए दिया था, लेकिन आप एक जेनेरिक डिस्काउंट भी क्रिएट कर सकते हैं जो कि परसेंटेज वाइज हो और हम कहीं भी यूज़ कर सकें। उसका आपने नाम डिस्काउंट ऑन हैंडल रखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप डिस्काउंट 10% लगे इसका मतलब है कि 10% का डिस्काउंट है, और जहाँ भी हमने 10% का डिस्काउंट देना होगा हम आराम से वो वाला डिस्काउंट इस्तेमाल कर लेंगे। अगर 5% का देना हुआ
तो हमने एक नया आइटम बनाया हुआ है डिस्काउंट 5%, हम वो वाला आइटम इस्तेमाल कर लेंगे. सो इन इफेक्ट व्हाट वी कैन डू इज वी कैन क्रिएट द नंबर ऑफ डिस्काउंट्स दैट वी ऑफर टू आवर क्लाइंट्स कीप इन आवर रिपोजिटरी एंड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड वी कैन यूटिलाइज दोज डिस्काउंट्स टू प्रोवाइड अ डिस्काउंट टू आवर कस्टमर्स और क्लाइंट्स. ये वो डिस्काउंट्स हैं जिसकी प्लानिंग सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट एक साल पहले कर चुका होता है, और जब इनको इन्वोक या इनको चलाने का वक्त आता है तो ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट को बता देता है कि हमने मुख्तलिफ चीज़ों पे ये डिस्काउंट ऑफर करने हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम हर किस्म के डिस्काउंट अपने पास रख सकते हैं, एंड एज पर द प्लान प्रोवाइडेड बाय द सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट वी कैन इन्वोक दीज इन आर इनवॉइसेस. इसको हमें अपने सेल्स टीम के साथ साथ जो भी हमारा इनवॉइसिंग का सिस्टम चला रहा है उसे बताना पड़ेगा, और एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड और जहाँ जहाँ ये इन्वोक हो रहा है उसने वो डिस्काउंट देते चले जाना है फॉर द पीरियड सेट बाय द सेल्स एंड मार्केटिंग टीम प्रायर टू दिस कैंपेन. ये जब कैंपेन शुरू होगी तो मार्केटिंग टीम ये बता देगी कि आपने ये कैंपेन कितने दिनों, कितने महीनों, कितने वीक्स के लिए चलानी है, और उन दिनों में जितनी भी हमारी इनवॉइसेस बनेंगी और उस सेट क्राइटेरिया में पूरी उतरेगी वो तमाम को ये डिस्काउंट ऑफर किया जाएगा. अगर आपने कोई इश्तिहार देखा हो जिसमें डिस्काउंट ऑफर हो रहा हो तो नीचे लिखा होता है TC अप्लाई. इसका मतलब होता है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. ये टर्म्स एंड कंडीशंस वो होती हैं जो कि इस कंपनी ने या आपकी कंपनी ने सेट की होती है टू प्रोवाइड अ डिस्काउंट टू इट्स कस्टमर्स. सो इन होल नाउ वी अंडरस्टैंड दैट डिस्काउंट डज हैव एन इफेक्ट ऑन अकाउंट्स बिकॉज इट रिड्यूसेस योर मार्जिन एंड दैट इज व्हाई इट नीड्स टू बी रिकॉर्डेड. जो भी चीज़ हमारे अकाउंट्स को अफेक्ट करेगी उसको हम रिकॉर्ड करेंगे ताकि हम उसको जस्टिफाई कर सकें ऑडिटर्स को. नाउ यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट एनी लाइन आइटम विद इन एन इनवॉइस और अ बिल दैट वी प्रोसेस हैज़ टू बी मार्क्ड एज अ आइटम इन क्विक बुक्स. जो भी लाइन आइटम हम लिखेंगे वो किसी ना किसी टाइप का आइटम होगा. हो सकता है वो इन्वेंट्री हो, नॉन इन्वेंट्री हो, सर्विस हो, या आपको पता चल गया है डिस्काउंट हो. ये तमाम टाइप ऑफ आइटम्स हम कर चुके हैं और ये तमाम टाइप ऑफ आइटम्स अवेलेबल होते हैं हमारी लिस्ट में. एक चीज़ याद रखें कि कोई भी लाइन आइटम हमारी इनवॉइस या बिल पे आ ही नहीं सकता अनलेस एंड अंटिल इट इज़ मार्क्ड एज वन ऑफ द आइटम्स इन क्विक बुक्स. सो यू हैव टू रजिस्टर ऑल इन्वेंट्री आइटम्स, अदर चार्ज आइटम्स, सर्विस आइटम्स, डिस्काउंट आइटम्स एंड अदर आइटम्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस लेटर ऑन सो दैट दे कैन बी यूज्ड इन क्विक बुक्स. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.